अगर आप गोवा के क्राउडेड बीचेस और पब से परेशान हो चुके हैं या आपको इतने क्राउडेड प्लेसेस पर बिना गए बीच को एंजॉय करना है तो हमारे पास आपके लिए एक अल्टरनेटिव है। गोवा से सिर्फ 5 आवर्स अवे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट ए टाइनी कोस्टल टाउन इन कर्नाटका, गोकर्णा। इट्स अ बीच लवर्स पैराडाइज। ARB और आज मैं आपको इस ब्लॉग में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रिप टू गोकर्णा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू रीच, वेयर टू गो, व्हिच आर द गुड बीचेस, वेयर टू स्टे, टोटल ट्रैवल बजट एंड मेनी मोर सच इंफॉर्मेशन। इन शॉर्ट, इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू गोकर्णा। फर्स्ट, हाउ टू रीच गोकर्णा। गोकर्णा काफी एक्सेसिबल प्लेस है एंड यू कैन इजीली रीच बाय रोड, ट्रेन और बाय एयर। फर्स्ट बाय एयर, डबलिन एयरपोर्ट गोवा, जो कि लगभग 140 किलोमीटर दूर है गोकर्णा से, नियरेस्ट एयरपोर्ट है। आपको आसानी से टैक्सी या फेरी मिल जाएगी गोकर्णा के लिए। सेकंड, बाय ट्रेन, गोकर्णा रोड, जो कि गोकर्णा में है, इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ ट्रेन से आने के लिए आपको बैंगलोर, मैंगलोर और साउथ के अन्य सिटीज से आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगी। थर्ड, बाय रोड, KRCT की बसेज, जो कि बैंगलोर, मैंगलोर और साउथ के दूसरी सिटीज से भी यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है एंड यू कैन इजीली रीच बाय बस एंड गो टू गोकर्णा। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा देन यू कैन बोर्ड अ बस फ्रॉम मडगांव। वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, ट्राई टू विजिट बाय ट्रेन। यदि आपकी सिटी से ट्रेन डायरेक्टली एक्सेसिबल है देन यू कैन विजिट बाय ट्रेन। ट्रेन ट्रैवलिंग लेस कॉस्टली है और इससे आप थकते भी नहीं हो। नेक्स्ट डे आप बीच पर जाने के लिए और फुल इंजॉय करने के लिए रेडी रहते हो। सेकेंड, वेन टू विजिट। गोकर्णा विजिट करने और बीचेस को एंजॉय करने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ का वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है एंड ही इज रिलेटिवली काम। फ्रॉम अप्रैल टू मई ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, आप बीचेस पे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू अवॉइड ड्यूरिंग मॉनसून और गो एट योर ओन रिस्क लाइक आई डिड। मैंने ऐसा क्यों बोला ये आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। डू वॉच माई ब्लॉग आफ्टर दिस वीडियो। थर्ड, वेयर टू स्टे। द बेस्ट प्लेस टू स्टे दैट आई विल सजेस्ट यू गाइस इज एट कुडले बीच। आपको कुडले बीच पे बहुत सारे कॉटेजेस इजिली मिल जाएंगे विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1500 पर पर्सन पर नाइट। यहाँ आपको रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे विच विल बी स्लाइटली कॉस्टलियर देन कॉटेजेस। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन रूम नहीं मिलता, लाइक बुकिंग ऑलमोस्ट फुल रहती है, बट इसके लिए आप टेंशन मत लेना। आप सीधा कुडले बीच पे जाना और वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉटेज मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते और ओपन नहीं रखते। देन यू कैन ईजली बुक ए रूम एट कुडले बीच। हॉस्टल इज ऑल्सो अवेलेबल इन गोकर्णा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 500 to 600 पर पर्सन पर नाइट। और आपको पैराडाइज बीच पर कैंपिंग भी कर सकते हो विच विल बी बजट फ्रेंडली एंड ए मेमोराइजिंग एक्सपीरियंस। बट आप इसके लिए पहले से बुकिंग करके जाएं क्योंकि ऑलमोस्ट बुकिंग फुल रहती है गोकर्णा के बीच पे कैंपिंग करने के लिए। बीचेस ऑफ गोकर्णा, देयर आर 5 बीचेस इन गोकर्णा। फर्स्ट वन इज मेन बीच, दैट इज इन द सिटी। सेकेंड वन इज कुडले बीच एंड देन ओम बीच। कुडले बीच और ओम बीच काफ़ी पास है, डिस्टेंस इज अराउंड 1.5 किलोमीटर विच यू कैन ईजली गो वायर ट्रैकिंग। द अदर टू बीचेस आर पैराडाइज बीच एंड हाफ मून बीच। आप यहाँ पर ट्रैक करके जा सकते हो बट आई विल सजेस्ट यू टू गो वाया फेरी और बोट। थिंग्स टू डू एट गोकर्णा। गोकर्णा एक बहुत ही शांत और लेस क्राउडेड प्लेस है जो कि यहाँ के प्लेसेस में 4 चांद लगा देता है। यहाँ बहुत सारे सी फूड्स ट्राई कर सकते हो लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स विद अ ब्यूटीफुल सी व्यू। द आयुर्वेदिक स्पाइस ऑल्सो वेरी फेमस हेयर, यू कैन ट्राई दैट एट वेल। वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक बनाना बोट राइड, स्कूबा डाइविंग आर देयर। और आप जब मेन बीच पर जाओगे जो कि सिटी में है तो आप महाबलेश्वर टेम्पल जाना मत भूलना। महाबलेश्वर टेम्पल ठीक मेन बीच के सामने है और यहाँ पर आपको टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है। फॉर बॉयज लुंगी इज कंपल्सरी। इफ़ यू डोंट हैव यू कैन बाय फ्रॉम द शॉप इनसाइड और आउटसाइड एट जस्ट 100 रुपीज। आप रात को वहाँ बीच पर ब्लू फाइटो प्लैंकटॉन्स भी देख सकते हो जो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता और ये एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त रहता है। प्लेसेस नियर बाय गोकर्णा, अगर आप गोकर्णा विजिट कर रहे हो तो मुर्देश्वर आपके लिए विजिट करना मस्ट है। डिस्टेंस फ्रॉम गोकर्णा टू मुर्देश्वर इज अराउंड 75 किलोमीटर। आप यहाँ पर ट्रेन और बस से इजीली जा सकते हो। यहाँ पर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू। और ये शिव
के जस्ट पास होने के कारण यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू विजिट मुर्देश्वर। टाइम एंड बजट 3 days मोर देन इनफ टू विजिट गोकर्णा एंड मुर्देश्वर टुगेदर। और अगर बात बजट की करें तो अराउंड 5 to 6 thousand का खर्च आएगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, और अगर ग्रुप में जाते हो तो 3 से 4 हज़ार में ईजिली हो जाएगा। सो यू कैन प्लान ए ट्रिप टू गोकर्णा। हेल्पफुल टिप्स, सम हेल्पफुल टिप्स फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइस ईच। गोकर्णा एक काफ़ी अंडररेटेड प्लेस है, अगर आप यहाँ पर एक बार जाओगे आई विल अश्योर यू दैट यू विल गो अगेन। विजिटिंग मेन बीच एंड महाबलेश्वर टेम्पल इज मस्ट। बहुत सारे लोग जहाँ जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बाकी बीचेस से दूर है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर जरूर जाएं, ये आपका गोकर्णा ट्रिप वर्थ करेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन लीव अ कमेंट बिलो, आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई गोकर्णा ब्लॉग, आई विल अपलोड इन फ्यू डेज। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। Thank you.